नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हम लोगों का सोशियोलॉजी में पेपर टू पार्ट बी और यूनिट फोर में सोशियोलॉजी चल रहा है, सोशियोलॉजी में आज हमारा नया टॉपिक होने वाला है वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम दोस्तों, वर्णा सिस्टम तो सभी जानते हैं कि भाई चार वर्ण हैं, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ये चार तो हैं, लेकिन सर इसके बारे में हम क्या पढ़ें? सोशियोलॉजी में एक टॉपिक तो दे दिया है, तो उसी के बारे में हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आज निकालते हैं। चलिए चलिए, इसमें हमें क्या करना है, देखिए। सबसे पहले मैं आपको चार पांच क्वेश्चंस हैं मेरे, जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, चार पांच क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा है पहला, व्हाट इज वर्णा सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, वर्णा सिस्टम क्या है। दूसरा क्या है भाई, ओरिजिन ऑफ वर्णा सिस्टम। ओरिजिन कहाँ से हुआ है वर्णा सिस्टम के। एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ वर्णा सिस्टम के, उसके बारे में साथियों जानेंगे। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ वर्णा सिस्टम। इन चार क्वेश्चंस की हमें लगभग बातें करनी है कि भाई, क्योंकि पूरा के पूरा जो वर्ण है वो कहीं ना कहीं इन चारों क्वेश्चंस के सराउंडिंग ही घूम रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वर्णा सिस्टम। तो जानिएगा भाई कि भाई वर्णा सिस्टम क्या है, वर्णा सिस्टम होता क्या है एग्जैक्टली। भाई क्या है कि भाई हमारे जो इंडियन सोसाइटी में, अगर हम एंशंट टाइम की बात करें, एंशंट टाइम में, और एंशंट टाइम कब, जब ऋग्वेदा टाइम चल रहा था। ऋग्वेदा टाइम को एक और नाम से हम जानते हैं, अर्लियर वैदिक एरा या पीरियड हम बोल सकते हैं इसको। तो भाई एंशंट टाइम पे जब ऋग्वेद टाइम चल रहा था या अर्लियर वैदिक टाइम चल रहा था, उस समय पर क्या था कि हमारे जितने भी जो हमारे समाज के जितने भी या सोसाइटी के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने सोसाइटी में इक्वालिटी और हारमनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने सोशल हारमनी और इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए लोगों के एक्शंस के बिहाफ पे ड्यूटीज़ को बताया है। यानी इसमें क्या क्या चीज़ें बता दी भाई, इन्होंने क्या क्या चीज़ें बता दी। तो याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि भाई इन्होंने कहा कि भाई आप क्या करें, इन्होंने क्या किया, वापस देखिएगा कि भाई सोसाइटी के जो लीडर्स थे किस टाइम पे, भाई एंशंट टाइम के जितने भी लीडर्स थे, उन लीडर्स ने इंडिया में क्या किया भाई, इंडिया में जो सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी को फोर टाइप्स से इन्होंने डिवाइड तो किया ही है, लेकिन इन वर्णा सिस्टम लाया क्यों गया था ताकि सोसाइटी में, और किसके द्वारा लाया गया था, इंडियन सोसाइटी में जितने भी एंशंट टाइम के लीडर्स थे उनके द्वारा, ताकि सोसाइटी में सोशल हारमनी एंड इनइक्वालिटीज को क्या किया जा सके भाई, एबोलिश किया जा सके, सोशल हारमनी और इनइक्वालिटीज को जब एबोलिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है वो सोसाइटी में इक्वालिटी बढ़ेगी। इक्वालिटी क्या होती है साथियों, इक्वालिटी बढ़ जाती है। और इसमें क्या था भाई कि जो सोसाइटी है उसका उचित कैटेगरी वाइज हमने बंटवारा कर देते हैं, और जितने भी हमारे बीच में मतभेद हैं, जितनी भी एनिमनी है, एनिमनीज और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स को सोशल इसके द्वारा, यानी वर्ण सिस्टम के द्वारा,
वर्ण क्या सोच थी पहले के लोगों की कि भाई वर्ण सिस्टम के द्वारा हम जितनी भी एनिमनी हैं यानी जितनी भी लड़ाइयां हैं प्लस जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या कर सके हम एबोलिश कर सके भाई, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को एबोलिश कर सके और एबोलिश करने के साथ साथ हम इक्वालिटी और सोशल हार्मनी को इस्टेब्लिश कर सके, इसीलिए इसको लाया। याद रखिएगा ये एक ऐसी व्यवस्था है, याद रखना क्या है भाई कि ये एक ऐसी व्यवस्था होती है या ये एक ऐसी व्यवस्था है, क्या बोले, एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम में जितनी भी पर्सनालिटीज़ यानी जितनी भी पब्लिक को या पर्सनालिटीज़ हैं उनकी सारी की सभी लोगों की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताया जा सकता है थ्रू दी वर्ण सिस्टम के माध्यम से ये ड्यूटीज और इनको दिखाया या समझाया जा सकता है। अगली चीज आती है कि भाई जो वर्ण सिस्टम है उसका मतलब क्या है। वर्ण का मीनिंग क्या होता है, ऑथेंटिक मीनिंग की बात करें जिसको हिंदी में हम क्या बोल देते हैं वर्ण और इंग्लिश में वर्णा, तो वर्ण का मतलब होता है According to Aryans, वर्ण का मतलब होता है कलर। वर्ण का मतलब क्या होता है, कलर। यानी खुद जो आर्यंस थे इन्होंने सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, आर्यंस ने सोसाइटी को रंग के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले तो खुद आर्यंस थे यानी हाई क्लास में कौन आ गए, खुद आर्यंस आ गए, और लो क्लास में कौन आ गए, जो पहले से ही इंडिया में रह रहे थे यानी एंशियंट टाइम पे जो पहले से ही इंडिया में रह रहे थे, जो दास यानी स्लेवरी वाला जो लोग काम करते थे, जो इंडिया में स्लेवरी वाला जो भी जितने भी लोग काम करते थे उनको हमने लो क्लास में इन्होंने रखा। एक्चुअल में क्या होता है, एक तो आर्यंस के अकॉर्डिंग हम बात करें, और आर्यंस के अकॉर्डिंग ये नाम कहां से आ गया कलर का, तो मनुस्मृति में ये चीजें बताई हैं। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति वर्ण मीन्स कलर। यानी खुद ये क्या मानते थे, खुद को गोरा मानते थे यानी वाइट। जैसे आप देखेंगे रेसिस्ट लोग होते हैं उस टाइप का थोड़ा सा मुझे ये लगता है, वैसे ही इंडिया में जो लोग स्लेवरी वाला काम करते थे उन लोगों को ये ब्लैक मानते थे, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं ब्लैक और ब्राउन इंडियंस को मानते थे जो ऑलरेडी स्लेवरी वाला काम करते थे। तो इसी बिहाफ में हम अगली चीज देखेंगे कि भाई आर्यंस के हिसाब से वर्णा ये हो गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि वर्णा का ऑथेंटिक मीनिंग जो मिलता है हमें, वो ऑथेंटिक मीनिंग हमें ये बताता है कि इसका मतलब होता है टू कंटेन करना और इलेक्ट करना, इलेक्टेड समथिंग, यानी किसी चीज को इलेक्ट करना या सिलेक्शन करना किसी चीज का, या किसी चीज को कंटेन करना हमारा वर्ण का मतलब हो जाता है, किसी चीज को ये करना। ये दोनों चीज आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। बेसिकली जो वर्णा सिस्टम है उसमें एक चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए, वर्णा सिस्टम क्या है बेसिकली कि भाई इसका ओरिजिन, पहला हमने समझ गए कि व्हाट इज वर्णा सिस्टम। ये हमने जो पहली चीज थी व्हाट इज वर्णा सिस्टम, इसको तो हमने जान लिया। वर्णा सिस्टम क्या होता है ये जान लिया हमने कि भाई एंशियंट टाइम पे कुछ हमारे सोशलिस्ट लोग थे, उन सोशलिस्ट लोगों ने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनकी ड्यूटीज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने के लिए सोसाइटी को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। उस समय जो डिवाइडेशन हुआ यानी वो हुआ है किस टाइम से, ऋग्वेदिक टाइम से या अर्लियर वैदिक टाइम को उसको
कहा जाता है। इसमें क्या रहा भाई, इसमें क्या रहा कि भाई अगर हम बात करें कि भाई बहुत सारे इसके मीनिंग भी हो जाते हैं वर्णा के, जो आपने देखे कि भाई अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति आर्यंस खुद को गोरा मानते थे और दूसरे जो पर्सनालिटी जो स्लेवरी वाला काम करती थी उनको वो गरीब मानते थे, और गरीब के साथ साथ उन्हें ब्लैक और ब्राउन की संज्ञा दी जाती है जिनको कोई भी राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे। इन लोगों को कोई भी राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे, इनके पास कोई राइट्स नहीं होते थे क्योंकि ये स्लेवरी वाला कुछ का काम करते थे। और यहाँ पे हम मनुस्मृति के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसका लेटरल मीनिंग देखा जाए वर्णा सिस्टम का, तो लेटरल मीनिंग क्या हो जाता है, टू कंटेन और इलेक्टेड समथिंग, यानी किसी चीज को इलेक्ट करना है, किसी चीज को कंटेन करना ही क्या होता है। इलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि भाई हमने कोई चीज को सिलेक्ट कर लिया है, हमने किस चीज का चुनाव कर लिया है, या फिर हमने किसी चीज का चुनाव कर लिया, वही चीज के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ हम सस्टेन करेंगे। तो इन्हीं इलेक्शन के माध्यम से, यानी इलेक्टेड और कंटेन करने के माध्यम से पब्लिक अपनी लाइफ को, पब्लिक जो है वो अपनी लाइफ को सस्टेन करती थी। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ गई होगी मोटे तौर पर कि लेटरल मीनिंग क्या होता है, वर्णा सिस्टम क्या है, आप अब अच्छे से लिख सकते हैं। स्टार्टिंग की और अभी की सारी बातें करेंगे हम लोग। देखिए क्या रहता है मेनली कि भाई जो सोसाइटी थी, मतलब ये जो वर्ण सिस्टम है वो पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी को चार पार्ट में डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। अगर हम सबसे पहले विवरण की बात करें, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट वर्ण, तो कहां पे मिलता है इसका डिस्क्रिप्शन पहली बात, तो याद रखिएगा साथियों, याद क्या रखना है मेरे भाई, तो इसमें याद रखिएगा कि भाई ऋग्वेद का जो दसवां मंडल है, उसमें पुरुष सुक्त ऋग्वेद का टेंथ मंडल है पुरुष सुक्त में किसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसमें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको वर्णा का उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। अब जो वर्णा है, याद क्या रखना है, जो वर्णा सिस्टम है, मैंने किसकी बात कही, जो वर्णा सिस्टम है साथियों, तो वर्णा सिस्टम में एक चीज अच्छी ये हुई कि भाई सोसाइटी में इसमें डिस्क्रिप्शन जो मिला उसमें, और इसमें तो है ही है, इसमें कितने पार्ट में डिवाइड किया वर्णा को, चार पार्ट में वर्ण सिस्टम को डिवाइड किया है। वर्ण सिस्टम का हमें एक और जगह मिलता है गीता में, भगवत गीता, गीता के अकॉर्डिंग भी हमें किसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, वर्ण सिस्टम का डिस्क्रिप्शन मिलता है। आइए चलते हैं, कौन कौन से हैं भाई चार, पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और फोर्थ है शूद्र। ये हमने स्टार्टिंग की जो स्लाइड थी उसमें भी देखा, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। इसमें हम सबसे पहली चीज क्या बात करते हैं ब्राह्मण की, तो जो ब्राह्मण है वो सबसे उच्च कोटि का माना गया, फिर क्षत्रिय, और इसमें लास्ट में कौन आ गए भाई वैश्य। स्टार्टिंग टाइम पे जो वर्ण सिस्टम था वो ऑन एक्शन बिहाफ था, लेकिन करंटली की अगर बात करें, आफ्टर द ऋग्वेद टाइम एंड इन लेटर वैदिक टाइम योर एरा में,
ऋग्वेद था, ये ऑन एक्शन बिहाफ जो लिखा हुआ है, ये हो गया आपका किसके बेस पर, मोनार्की बेस या हेरिडिटी बेस हो गया, हेरिडिटी वंशानुगत होता चला गया, हेरिडिटी बेस ये हो जाता है। यानी पहले जो सोसाइटी में हमने इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए बात कही थी, इक्वालिटी के साथ साथ हमने जो सोशल हार्मनी को एस्टेब्लिश करने की बात कही थी, लोगों की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी सोसाइटी में एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे इसलिए उनकी बात कही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जैसे ही ऋग्वेद टाइम खत्म होता है, वैसे ही जैसे अर्लियर वैदिक टाइम खत्म होता है, तो आर्यंस ने क्या किया कि भाई जैसा मेरा बेटा अगर ब्राह्मण है तो वो भी ब्राह्मण होगा, उसका भी बेटा ब्राह्मण होगा, कोई शूद्र है तो उसका भी बेटा शूद्र होगा, यानी हेरिडिटी बेस हो गए। कौटिल्य ने अपनी जो अर्थशास्त्र है, अगर हम कौटिल्य की बात करें, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र नाम की उसकी किताब है, अर्थशास्त्र उसकी एक बुक है कौटिल्य की, तो अर्थशास्त्र में उसने कहा है कि भाई एक 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 ना अपाध धर्म इसने इसमें बताया है, कौन सा अपाध धर्म क्या चीज बताई है बेटा इसमें, अपाध धर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। अपाध धर्म का मतलब है अपाध धर्म अकॉर्डिंग टू कौटिल्य कि भाई अपाध धर्म में क्या होगा, एनी पर्सन अपनी क्या एक्शन को चेंज करके, भाई एक्शन को चेंज करके अपना जो वर्ण सिस्टम को भी ये क्या कर सकता था, चेंज कर सकता था। यानी कोई भी पर्सनालिटी है वो अपना, अगर उसे अपना काम बदलना है यानी काम बदल करके वर्ण सिस्टम को भी वो क्या कर सकता था, बदल सकता था, यानी उसको भी चेंज कर सकता था, ये चीज इसमें आती है। इसमें एक और चीज होती है कि भाई ऋग्वेद के जो 10th मंडल है उसमें इसका विवरण, इस बहुत बड़े तौर पर विवरण मिलता है। इसमें कहा जाता है कि जो आपका ऋग्वेद में तो मिला, इसके बाद में आपकी जो भगवद गीता है, भगवद गीता में एक दोहा है, चतुर्वाक्य मया स्पष्ट गुण कर्म विभागश्य, ये का है दोहा है जो आपको भगवद गीता में देखने को मिलेगा, और इसमें स्पष्ट रूपी कहा है कि भाई एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का उदय होता है, उसके शोल्डर से, यानी वही विराट, विराट कोहली नहीं है, विराट पुरुष है, उसके शोल्डर से क्षत्रिय का, इसके बाद में उसकी जो जंघा है, जो पैर है, जंघा है, उससे किसका होगा भाई, तो उससे आपका वेश्यों का होगा, और जो उसके पैर होंगे वो उससे किसका होगा, तो उसका आपका शूद्रों का होता है। इसमें ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। साथियों जैसा कि हम लोगों ने थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन माना कि हमने 3-4 चीजें इसमें देखी, जैसा कि आप लोगों ने बात की, हम लोगों ने बात की कि भाई पहली चीज क्या है कि भाई व्हाट इज वर्णा सिस्टम, दूसरा ओरिजिन ऑफ वर्णा सिस्टम, तीसरा एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्णा सिस्टम। ये अभी हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ा नहीं है हमने, ले हमने इफेक्ट ऑफ वर्णा सिस्टम, ओरिजिन ऑफ वर्णा सिस्टम भी देख लिया हम लोगों ने कि भाई ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वर्णा सिस्टम क्या है, ओरिजिन क्या हो। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्णा सिस्टम की। अब हम बात किसकी करते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्णा सिस्टम। चलिए एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्णा सिस्टम, एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्णा सिस्टम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं भाई, इसके उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्णा सिस्टम। चलिए अब देखिए एट्रीब्यूट्स की बात की तो 3 टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से होंगे वो एट्रीब्यूट्स उनको देख लेते हैं।
चलिए। हाँ हाँ कौन कौन से होंगे भाई, कौन कौन से होंगे उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, जान लेते हैं भाई, जान लेते हैं कौन कौन से हैं वो, कौन कौन से हैं। देखिए जो पहला एट्रीब्यूट है, जो पहला एट्रीब्यूट है वो होता है राजसिक। कौन सा है भाई? राजसिक, राजसिक। दूसरा है तामसिक, तामसिक। पहला है राजविक, तामसिक। और तीसरा है सात्विक, सात्विक। तीसरा कौन सा हो गया दोस्तों? तो वो हो गया सात्विक, सात्विक। यानी ये तीन टाइप के हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों गुण बताए हैं, तीनों एट्रीब्यूट्स बताए हैं, ये तीनों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो केवल तीन ही वर्णा में मिलते हैं। ये तीन ही एट्रीब्यूट्स कितने में? ओनली ओनली थ्री, ओनली थ्री वर्णा में ये एट्रीब्यूट्स मिलते हैं साथियों। वो वर्णा में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स मिलते हैं? पहला है आपका ब्राह्मण, दूसरा है वैश्य और थर्ड है क्षत्रिय। इन तीनों में ही ये मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शूद्र, शूद्रा, तो शूद्रों को कोई भी एट्रीब्यूट्स के अंतर्गत नहीं रखा गया है साथियों, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम एट्रीब्यूट्स के हिसाब से हम वर्णा को पढ़ते हैं, किनके हिसाब से? एट्रीब्यूट्स के तहत ही हम वर्णा को अब पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स के तहत ही हम वर्णा को अब पढ़ेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें अगली बात आती है, इसमें अगली बात आती है। अब सबसे पहला कौन सा आता है भाई? ब्राह्मण। ब्राह्मण याद रखिएगा, जो ब्राह्मण है उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं? तो ब्राह्मण में सात्विक एट्रीब्यूट पाया जाता है। ब्राह्मण में कौन सा पाया जाता है भाई? सात्विक, सात्विक, सात्विक एट्रीब्यूट पाया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन? इसके फंक्शंस क्या होते हैं? इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? फंक्शंस हैं टू कलेक्ट, टू कलेक्ट फूड, कलेक्ट फूड यानी, और टू कलेक्ट, और टू कलेक्ट, कलेक्ट ग्रांट्स, ग्रांट्स, और डोनेट, और डोनेट। यानी इनको फूड को गेन करने का अधिकार भी है, राइट्स हैं, और डोनेट करने के भी राइट्स। किस फंक्शन में आ जाते हैं भाई? किस में आए, किस एट्रीब्यूट में आ जाते हैं? सात्विक में। दूसरा काम क्या है? टू स्टडी, टू स्टडी वेदा यानी वेदों की स्टडी का इनको काम है। तीसरा क्या है? टू टू डू यज्ञ, और टू डू यज्ञ फॉर दी क्षत्रिय, फॉर दी क्षत्रिय, क्षत्रिय एंड एंड वैश्य। क्षत्रिय और वैश्यों के लिए क्या करना चाहते हैं भैये? ये यज्ञ का आयोजन करते थे, यज्ञ का आयोजन ये लोग करते थे। और तीसरी चीज, तीसरी चीज है, तीसरी चीज है टू डू वर्शिप, 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 वर्शिप करने का भी काम इनका था। यज्ञ, यज्ञ एंड हवन, एंड हवन, एंड हवन करवाने का भी इनका क्या होता है साथियों? काम होता है। किसका? ब्राह्मण का काम होता है। यानी इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? सात्विक गुण पाया जाता है। वर्शिप करने का काम रहता है, हवन, हवन या यज्ञ करवाने का काम रहता है, फूड को कलेक्ट करने और ग्रांट्स को कलेक्ट करने और डोनेट करने का इनका काम होता है, वेदों को स्टडी करने का काम होता है, और वही क्षत्रियों और वेश्यों के लिए क्या करने का काम होता है भाई? यज्ञ। एक और चीज इसमें आ जाती है कि भाई ये लोग यज्ञ किसके लिए नहीं करते हैं? शूद्रा, शूद्रा के लिए ये यज्ञ नहीं करते हैं। मेनली शूद्रा को केवल साफ सफाई का काम दे दिया जाता है, यानी ब्राह्मण। और ये किसका भी काम करते हैं? टीचिंग का। ये क्या होते हैं? टीचर्स भी होते हैं। टू डू और गोइंग, टीचिंग, टीचिंग का काम भी ये लोग करते
करते हैं, ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमने ब्राह्मण के बारे में तो जान लिया, ब्राह्मण के बारे में जान लिया, अब शूद्रा क्या है? ब्राह्मण के बारे में, अब क्षत्रिय की बात है, क्षत्रिय क्षत्रिय की बात आ जाती है। भाई क्षत्रिय में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं? एट्रीब्यूट्स क्षत्रिय में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, कि भाई इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में हमें क्या देखना है कि हाँ भैया आपके पास सब कुछ है, आप जो बोलें वही सही है। तो याद रखिएगा इसके पास है सात्विक, इसके पास कौन सा आ जाएगा? सात्विक आ जाएगा, सात्विक सात्विक एंड तामसिक, सात्विक एंड राजसिक, सॉरी राजसिक, राजसिक। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया हूं, ध्यान दीजिएगा, जो ब्राह्मण है, कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में ब्राह्मणों के बारे में कहा है कि भाई जो ब्राह्मण है वो किसी भी तरह का अपराध कर दे, यानी अपराध मतलब कोई भी वो क्रिमिनल काम कर दे, क्रिमिनली वो कोई भी एक्शंस किया हुआ है, लेकिन उसे कभी भी मृत्यु दंड नहीं देना है, उसे कोई भी आप क्या दे सकते हैं, कोई भी दंड दे सकते हैं, लेकिन उसे मृत्यु दंड नहीं देना है। ये कौन बात करते हैं? तो ये कौटिल्य बात करते हैं अपने अर्थशास्त्र में। इसमें कौन कौन से गुण पाए गए भाई? सात्विक और राजसिक। एक और चीज याद रखिएगा, वेन सांग जो कहाँ का था? चाइनीज ट्रेडर था और इंडिया के लिए वो टूरिस्टर था। वो जब इंडिया में आया तो उसने हैंग सांग ने जो चाइना से आया था, उसने जो क्षत्रिय है उनके बारे में कहा है, उनके बारे में कुछ कथन कहा है इसने, और वो कथन क्या है भाई? वो कथन है भाई कि भाई कास्ट ऑफ मोनार्की, इनको क्या कहा है क्षत्रियों को? कास्ट ऑफ मोनार्की, राजाओं की जातियां कौन कहते हैं? हुएंग सांग। अब इसके फंक्शंस की बात कर लें भाई, इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे, तो उनकी बात कर लेते हैं। पहले फंक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें फंक्शन क्या आ जाएगा भाई? इसमें फंक्शन क्या आ जाएगा कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। याद रखिएगा एक चीज, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि भाई जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में लगभग कितने यूनिट्स हैं? तो इसकी यूनिट्स की बात करें आए तो इसमें 12 यूनिट्स हैं और इसमें सूक्त भी बोलते हैं। सूक्त कितने हैं? 26,000 plus 2600 plus इसमें सूक्त हैं। तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये जो जितने भी पब्लिक सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उनकी तरह काम करते हैं। पब्लिक, इनका जो काम था, इनके फंक्शन थे पब्लिक सिक्योरिटी करना, हथियार वगैरह रखना, यानी वेपन्स को यूज़ करने का इनका काम था। किसका काम था? वेपन्स को यूज़ करने का काम था। तीसरी चीज़ इनका काम क्या था भाई? डोनेशंस देने का काम था। किसका काम था मेरे भाई? डोनेशंस देने का काम था। डोनेशंस के बाद में इनको भी वही स्टडी ऑफ वेदा तीसरी चीज़ थी, अगली चीज़ थी इनको टू कलेक्ट कैपिटल, इनको कैपिटल को कलेक्ट करने का भी काम था, यानी पब्लिक सिक्योरिटी करने का, वेपन्स धारण करने का, डोनेशंस देने का, स्टडी ऑफ वेदा टू कलेक्ट कैपिटल करने का, इनको ये सारे के सारे काम दिए गए थे। इसीलिए एक चीज है, इन लोगों में क्या है भाई? राजसिक का मतलब क्या हो गया कि राजा वाले भी है। सात्विक मतलब स्टडी करना। और ये लोग क्या करवाते थे ब्राह्मण से? ये लोग क्या करवाते थे? यज्ञ का आयोजन करवाते थे, यज्ञ करवाने का भी इनका ही फंक्शन है। एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट से फंक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि हमें
पूरा का पूरा सेंटेंस तो बहुत बड़े पोर तौर पे तो लिखना नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा वर्ण सिस्टम आएगा तो 11 नंबर में नहीं पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा 5 या 3 नंबर में। तो 3 नंबर में केवल ये पूछा जा सकता है व्हाट इज सात्विक, व्हाट इज राजसिक एंड व्हाट इज एक और जो आपको बच गया वही। चलिए ये अपना आपने देख लिया कि ये दोनों चीजें हमारी हो गई। अगला जो आता है हमारा वो होता है वेश्य। वेश्य थर्ड वाला कौन सा आ जाता है हमारा? वेश्य, वेश्य थर्ड वाला होता है जिसको हम लोग कल पढ़ने की कोशिश करते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।